अगे बतांगे गल करांगे अगले सेशन दी। पहले सेशन दी शुरुआत तां बड़ी फायर ब्रांड यंग एनर्जी दे नाल होई है ते अगले सेशन दी शुरुआत करांगे। सेशन दा नाम है नवी टीम तजर्बा पुराना ते चर्चा करांगे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री दे नाल जो के पंजाब दे पहले ते इकलौते फीमेल मुख्यमंत्री रहे ने। असी गल कर रहे हां बीबी रजिंदर कौर पठल जी दी। आई रिक्वेस्ट नपिंदर बराड़ एंड गुरजोत संधू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वेलकम आवर गेस्ट बीबी रजिंदर कौर पठल जी। बीबी पठल पंजाब की सियासत च पुराने ते वट्टे खिडारियां चने पांच बार लहरा हलके तो जिते ते टॉप पोस्ट ते रहे ने। फ्रीडम फाइटर्स के घर च जन्मे बीबी पठल नू सियासत की गुड़ती अपने घर तो ही मिली है। तो हम चर्चा करांगे बीबी पठल दे नाल आज दी सियासी हलचल ते। ओवर टू यू नपिंदर एंड गुरजोत। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, तुसी मान वधाया राइजिंग पंजाब दे मंच ते आए हो। तो अज गल राइजिंग पंजाब दी हो रही है, पंजाब दे भविख दी हो रही है। पंजाब दे विच इस वेले सत्ता च वी तुहाडी पार्टी है, तुसी खुद मुख्यमंत्री रहे हो। अज पंजाब नू कित्थे कि देखदे हो और की लगदा कि पंजाब दा भविख की होएगा? बीबी जी माइक ले लो। जो साडा पंजाब पंजां दरियावां दी आप गिणिया जांदा सी, अज जो पंजाब भावें उह वड्डा मामला है तिन आप रह गया। और उहदे विचों वी मैं समझदी हां कि जो कदरां ते कीमतां पंजाब दीआं, पंजाब दी धरती दीआं, पंजाब दे नौजवानां दीआं, पंजाब दे राजसी लोकां दीआं सी, उह काफ़ी डाउन आईआं। इस समें विच बहुत सारे नुकसान आए हैं, बहुत सारिया कमियां रही हैं, बहुत सारी साढ़े मैं समझदी हाँ कि पोलीटिकल सारे नॉट ओनली कि एक मेरी पार्टी या तेरी पार्टी च, इन जनरल पॉलिटिक्स के भी थोड़ी गिरावट आई है। तो सिर्फ तो सिर्फ असी अजक वादिया का ही एक चिट्ठा बना के रखे है कि वादे करो, गल करो, लोगों को गुमराह करो। यही कारण है कि अज तुम देखिया हो, कदे नहीं होया, किसी भी मुल्क नहीं होया, इतने भी नहीं होया कि प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट न उत्ते कोई विश्वास ना करे, कि लिखती आवे, पास होकर आवे पार्लीमेंट चो, राष्ट्रपति दस्तखत होकर आन, प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज दी वैल्यू कोई नहीं। उदो लग्या कि हाँ किसान जड़े ने विश्वास नहीं करेंगे, ये लिखती तौर पर मंगेंगे? नहीं, ये लग्या नहीं, ये है, ये है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपना विश्वास गवा लिया। अज के प्राइम मिनिस्टर ने तुहानू याद हो सारू, इन्होंने कहा कि मैं 2000 करोड़ नौजवानों नौकरियां देऊंगा, 15 लाख रुपया मैं हर एक की जेब पाऊंगा, काला धन मैं वापस लियाऊंगा। ये तीन वड्डियां गल्लां करके देश दे विच सरकार बनाई सी, और इहदे विच तीनों गल्लां ने उल्टियां हुई। काले धन की थां साडा चिट्टा धन बाहर जाण लग गया, किसान मोर्चा लवा के कुछ पूंजीपतियां की मदद करके कि उन्हां नूं फायदा किस तरह होना है, किसान नूं असी गुलाम किवें बनाउणा है, मजदूर किवें बनाउणा है, नैगेटिव गई गल। ये सारिया चीजा जो असं वादे किए थे पूरे नहीं किए, विश्वास लोगों का चलिया गया, कोई भी पिछे नहीं रहा। वेखा जाए तो चाहे तुहाडी पार्टी है, तुहाडे ते बड़े तुहाडी धिर ते बड़े इल्जाम लग रहे हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक हुण मुख्यमंत्री नहीं रहे पर सारे का सारा उन्हें नहीं पाया जा सकता, चाहे हुण कोई तुसीं आम आदमी पार्टी ला लो, कांग्रेस ला लो, अकाली दल ला लो, सारे दावे वादे। एक कहिंदा कि मैं 100 रुपया, मैं 200 दे देना। यह गल मैं पहले ही कही है कि मैं हुण अज की गल करदी हां कि कुछ गिरावट आई है, कुछ झोटे तो असं वादियां दे विच लैके आए हां, लेकिन मेरी गल पूरी होण दिओ, असीं पंजे उंगलां नूं नहीं मिला सकते। जे हुण अज मैं गल की है मोदी साहब की, तो दूजे पासे मनमोहन सिंह भी बैठे से कांग्रेस से, कोई वादा है जा कीता जिहड़ा पूरा नहीं कीता? तुहाडे सामने साडा सोना गिरवी कीता वा, कहा सी वापस लिआउण, लिया के दिखाया। मैं बंदे इंसान लीडर टू लीडर गल कर रही हां, कल एक पार्टी दी गल नहीं कर रही। तुसीं हुण साडे वादियां ते आ गए हो, साडे विच वी मैं समझदी हां, जिवें तुसीं किहा कैप्टन ने वादे कीते, अज चाहे कैप्टन साडी पार्टी छड्ड गए ना, पर साडी पार्टी दा लीडर सी, सीएम सी साडी पार्टी दे, उहनां ने जे वादा कीता। जदों तुसीं सवाल मीडिया भी करदा जां लोक भी एनालिसिस करदे आ, सिचुएशन ते हालात दा अंदाजा लाओ। उन्होंने जिस वक्त किया तो उस तो बाद आपां नूं पता है कि इत्थे किहो जिहियां बीमारियां, फाइनैंशियल प्रॉब्लम आई। इनस्पाइट ऑफ दैट 4600 करोड़ रुपए का जिहड़ा हैगा सी, उन्होंने साडा कर्जा माफ किया, मैं मानदी हां सारिआं दा नहीं होया। और इस तरह नाल 600 करोड़ का
खेत मजदूर ते लैंड लैस का माफ किया। कैन यू टैल मी कि साथों 10 साल पहला लगातार सरकार एको बार चली है, अकालिया की खजाना मंत्री मेरे और सुखदेव सिंह ढींड समरी जिले वाले से, उस 10 साल किसी एक किसान का कर्जा माफ किया? तो जे असी इस हालात के बावजूद भी कुछ किया, मैं मानती हूँ अच पूरे नहीं हुए सारे, लेकिन पूरे करन की कोशिश करके कुछ किया। मतलब जो गल कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं उसके नाल खड़े हो कि काम जिहड़े जिन्ना समा उन्होंने लग्या उसके उन्होंने पूरे किए ने। मैं बड़े वीर तुसी हमेशा कहते रहे हो, इस वक्त मैं किसी के लीडर की मुखालफत जां उहदी मैं सिफारिश करनी आई पैरवी करनी आई, मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय की गल करती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं भी चोण मैनीफेस्टो में सी और मैं पता है कि मैं कुछ वादियां दे नाल सहमत नहीं सी, जिहड़े सानू लगता सी कि इह सानू अपनी आर्थिक दशा के मुताबिक नहीं करने चाहिए। केड़ा केड़ा वादा सी जिहदे नाल तुसीं नहीं सी सर? नहीं, तुसीं बहुत सारिया गल्लां हुंदियां तुहानूं दसण वालियां, बहुत सारिया हुंदियां जिहड़ी मेरी अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म से दसण वालियां, मैं उत्थे दसियां सी उस वक्त भी, लेकिन दूजे पासे मैं आपदी गल करदी हैगी हां ते केजरीवाल की गल करदी हां, ये सारे बादलों की गल करदी हां, क्योंकि तुसीं कुछ इकट्ठा जिहा क्वेश्चन किया है, कैलीफोर्निया कहा सी सुखबीर बादल ने बना दूं, बन गया लुधियाना, तुहाडे सामने केजरीवाल ने कहा सी 20,000 नौजवान ना जिहड़े साडे मुलाजम ने उन्हों पक्का करूं, नॉट ए सिंगल मुलाजम जिन्हों पक्का कर सके, और दूजे पासे मैनू मौका मिलिया किन्ना समा सीएम दा, सिर्फ 93 दिन। कैन यू टैल मी कि 93 दिन किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री नूं मिले होण ते उन्हें अपने सूबे के दुखी दरम्याने गरीब उन्हां लोकां लई 52 फैसले लए होण 93 दिनां दे विच, और वो फैसले भी इस तरह नहीं जिमें मैं हूँ राजा साडा बिल्डिंग बोल रहा है, ठीक गल उन्हें कही कि जो असं कुछ देना है किसी लिए कुछ करना पहले उन्होंने पुछता लीए तुम चाहिए, मैं उस वक्त 8-9 किसान जथेबंदियां सी उन्हां नाल गल कीती सी कि आ मैं करन लगी हाँ 7 एकड़ तो थले वाले किसान का जिहड़ा पानी के बिल आउंदे माफ करन लगी हाँ, मैं कीता वो सारे एग्री हुए, कोई अंदोलन नहीं होया, मैं कीता जिहड़ी अज प्रॉब्लम आ रही है अज किसान कित्थे बैठे ने, ये कई बार ये होंदियां कि जड़ां ते बुनियादी बीज असीं ऐसे माड़े पा दिंदे हां जिहदी उपज विच वरोह जी भैड़ा सिट्टे निकलदे हैगे आ। मैं उस वक्त कीता सी कि साडा कल्ला ही खेती प्रधान सूबा है, 5 एकड़ तो थले वाले किसान की मैं कहा सी कि भी जिहड़ी इंश्योरेंस है क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि मुआवजा नैचुरल कलैमिटी का बहुत थोड़ा हुंदा, पूरा नहीं हुंदा, फिर लोग साढ़े खुदकशियां करते हैं, गरीबी आउंदी है, कर्जाई हुंदे है, वो सरकार किश्तां भरूगी 5 एकड़ तो थले वाले किसानों दी, मैं वो इंश्योरेंस कराऊंगी। मैं भूमि बोर्ड जिहदे पिछे साढ़े बाद किसानों धरने देने पे मानसा तक, वो मैं भूमि एक रक्षा बोर्ड बनाया सीगा कि जिथे कुछ भी उपज नहीं हुंदी वो जमीन के उत्ते कारखाने लाने देवांगे किसानों की मर्जी के नाल, इस तरह नाल लड़कियां दी। मैं थोड़ा जिहा अपने समय का गल तुसीं अगला सवाल करोगे, मैं अपने समय के बिच जिहड़े हुण केजरीवाल जी कहिंदे मैं मुफ्त बसां नूं पास दित्ते है दे रहा जां देऊंगा जां इक बस लाई है, तो मैं तां 96 दे विच साडियां 60 साल तो उपर वालियां औरतां नूं मुफ्त बसां दा पास तुसीं बांह फड़ के जाण वालियां दा भी मुफ्त पास कीता सी, अज कहिंदे आ कि असीं फ्री एजुकेशन देवांगे, साडी सरकार ने भी हुण कीती है, उस वक्त दा मेरा कढ के देखो कुछ नोटिफाई हो गया कुछ नहीं होया सरकार दा एजेंडा, मैं लड़कियां नूं उस वेले ग्रैजुएशन तक दी साडी माफ कीती सी फीस, टैक्नीकल कोर्सां च पॉलीटेक्निक ITI उन्हां दी फ्री कीती सी सारी मैं, सो इस मेरा कहण दा भाव कि उस वेले जिहड़े कीते वह क्यों नहीं सिरे चढ़ सके, किन्ना ने रोके उस वक्त, और वो पंजाब के लोग हतैशी मने जाण जां की जिहड़े गरीबां लई लए सी, मुड़ के अकाली दल की सरकार आ गई, साडे चोण कमिश्नर मनमोहन सिंह जी जिहड़े अकाली दल के प्रिंसीपल सैकटरी रहे सी, उन्हां ने कदे नहीं तुसीं देखिया होना पूरे देश दुनिया में अद्धे घंटे चो दो बारी चोण ऐलान करके ते उन्हां दे जिहड़ा जिहनूं कहिंदे ना लग गया अपना जापता लग गया, पहला लाया जापता कि 1 तरीक तो मैं 31 की मीटिंग कर रही थी, 31 नोटिफाई करके फैसले लागू हो जाने से, 15 मिनट आया कि बेदे इमीजिएट फैक्ट लागू किया जाता है, मैंने कोई दिखा दे कि अद्धे घंटे के बिच बिच दो जापत्या दी चिट्ठियां आ के मेरी कलम रखाई गई, वो कलम जे ना उस दिन रखी जाती जो उत्ते आने वाली सरकार कम कर दियां तां अज आ किसानों की हालत ना होंगी। बहुत सारी उदाहरण दित्तियां अजिहा काम करने के लिए कहो जी स्पिरिट की लड़ है, तो लगता है कि घाट है अज की कहनी और कथनी के फर्क जो थोड़िया जो तुम दसिया काम किया उस तो अंदाजा लग रहा है? देखो मैं जिस तरह पहला गल कही कि सियासत सियासी सोच के फर्क आ गया, सियासी सोच अगे साड़ी कमिटमेंटा नहीं होंगी, साड़े इंसान वो समझते कि मैं कमिटमेंट से पूरा उतरिया, मैनू साडा असी विश्वास गवाया है, जिवें पहला मोदी जी गल से बुलाया, मैनू भी पता जो पहली बार इलेक्शन लड़ियाँ उस वक्त 72 के मैं धनौला हुंदा सी तपा हलका, उत्थे मैं जो जो अनाउंसमेंटा करा कि इत्थे मैं इहनूं सब तहसील बना दूंगी इत्थे मैं कर दूंगी, मेरे तो कोई विश्वास ना करे, मैं कीता सीगा 26 जनवरी वाले दिन लाण,
मैं क्या मैं एक देश भगत की धी हाँ मैं इस दिहाड़े से ऐलान कर रही हूँ। कहते जी पॉलिटिशियन बहुत आते ऐलान कर जाते हैं। मैं उत्थे ही नुकता फड़िया कि सानू जिहड़ा अपना बेविश्वासी लोगों चाहिए है ठीक है कल्ली नहीं मैं दूर कर सकती सारे करना पवेगा। मैं उस तो बाद अपना अपना कोशिश ही बना ली सी कि जो मैं कह मैं पूरा करने वास्ते 100% कोशिश करूँ जे सारे नहीं तद्दे पूरे हो सकते होणगे। यह विश्वासी चली गई अज सानू गरंटियां देनिया पै रही अज सानू झूठे वादे करने पै रहे हैं। महिलाओं को 1,000 रुपये 2,000 रुपये ऐलान करना उहदे बारे खास तौर पर मैं तुहाडे तों सवाल लेना चाहूंगी। तुहानू लगता है कि जिवें बयान आ रहे हैं कि भीख दिती जा रही है महिलाओं को 1,000 रुपये 2,000 रुपये ये कितों तक तुहानू लगता ग्राउंड से उतरनगे? मैं थोड़ी समझ नहीं सर ऐलान किए जा रहे हैं कि देखो ऐलान जिस तरह हम केजरीवाल जी ने किया मैं 1,000 रुपया देगा कि वो दिल्ली च दे के आ गए दो बार उन्हें सरकार नहीं नहीं शुरुआत क्यों अज क्यों पंजाब का इन्ना प्यार क्यों आ गया? पंजाब का तो पानी तुम कहते सू हरियाणे दे दौ केजरीवाल जी कहते पंजाब का पानी तो कहीं दिल्ली में भी चाहिए है अज पंजाब ना कितों बोझ आ गया वो तो वो है जिमें किसी ने वादे किए मेरी मझ खोई गई जे लभ जे तैनू 20,000 तैनू 50,000 तैनू वो पूरा 1,00,000 2,00,000 ते लै गया कहिंदा नहीं तां मैं ऐस नहीं कहिंदा मैनूं पता है कहिंदा मैं मेरी मझ मिलनी नहीं तां मैं कहिंदा पूरे करने वादे। केजरीवाल जी नूं पता कि इत्थे आउणी नहीं सरकार मेरे तां पहले भी टुट गए जिहड़े नाल खड़े सी आके जे वो दो बार सरकारां रहियां उत्थे बंदे ये कहिंदे कि पहलां तुसीं अपने सूबे विच वो कम लागू करके आओ कि मैं लागू किया आया कि अन्ना हजारे जी दे सामने जिहड़ा झंडा लैके गए सी उत्थे एक देश भगत दे हजूरी च झंडा चक के इन्हां ने कहा सीगा कि मैं लोकपाल बनाऊंगा कि अज तक बनाता वो भी पंजाब तो शुरुआत करनी है। ये तो कहते कि मैं सियासत में नहीं आऊँगा भुल गए अन्ना हजारे जी ने इन्हों पर विश्वास करना इस करके इन्हों गरंटियां देनिया पैंदियां फोकियां गरंटियां जिहड़ियां गरंटियां ते अजकल लोगों के नाल इन्नी बार हो गया कोई विश्वास करने लिए तैयार नहीं। बीबी जी तुसीं पहलां भी कहा कि कई बार ऐसे वादे करने पै जांदे ने या हालात ऐसे क्योंकि हुण तां सारियां पार्टियां दे चाहे किसे पासे झात मार लीए चाहे तुसीं हो ते चाहे विरोधी ने सारे पासे यही आ कि तुसीं मुख्यमंत्री रहे हो ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 92 'ਚ ਮੈਂ 85 ਚਾਈ ਹੈਗੀ 80 ਚਾਈਆਂ 72 ਚਾਈਆਂ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਸਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿਠਾਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਓਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਟੀਚਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਾਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੂੰਗੀ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਾਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 100-150 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-45 ਦੇ ਲਗਭਗ ਈਓ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਈਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਈਓ ਦੇ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ
चीफ मिनिस्टर होंगे मिनिस्टर का एक मिनिस्टर तो सारे सैकटर का एक चीफ सैकटर भी सर सकता है। असं 15-20 चीफ सैकटर क्यों बनाने उन्हें खर्चा करने की बजाय छोटे मुलाजमान से खर्चा क्यों नहीं करते। असं क्यों इन्ने DGP बना दें कि पोस्टा प्रमोट होकर ना ग्रेड बढ़ते जा असी थले सिपाही क्यों नहीं भर्ती कर सकते असी क्यों नहीं अपने थाने दे सकते किन्हें ठीक करना आम लोगों ने तो चुन के भेजता ना तुहानू उत्थे नुमाइंदे बना के भेजता सत्ता च बिठा दिता तो फिर यह सिस्टम ठीक किवें होना। इत्थे दो तरह के सोच के लोग चल रहे हैं। एक तो वो सोचते हैं जिहड़े बहुत थोड़े रह गए हैं कि देश लिए की देना पार्टी लिए की देना लोगों लिए की देना वो अपना आप कुर्बान करके मेरे टब्बर नूं मैनूं माण है मैं गौरव महसूस करदी हां असीं जमीना जब्त करा के घर जब्त करा के अपनी जिंदगियां बर्बाद करके सारा कुछ देश लिए भी किया पार्टी लिए जेल चाहे जाना पिया। मैं अपनी कुछड़ 4 साल की बेटी लैके जेल गई इनजस्टिस के खिलाफ। मैं जो अत्तवाद आया अपने 6 साल के बेटे नूं काले कमांडो के कपड़े पवा के उत्थे नाल लैके गई लेकिन जिवें कहा ठीक किवें हो सकता है। असीं अज दी सिचुएशन विच जिहड़ी साडी लोक ने साडे उन्हां नूं भी कोई फैसला करना पऊ। अज पैसे दे नाल अज पैसा मनी पावर जिहड़ी हैगी है वो लीड कर रही है वो पावरफुल बन गई है वो मुताबक लोगों को फैसला करना पऊ कि तुसीं कल्ले पैसे वाले नूं पैसे वाले ने जिवें पैसा कमाया है उन्ना खर्च कर दूं मुड़ के उन्ना फेक कमा लूगा वो। लेकिन जिन्हें सोचा कि नहीं मेरा पैसा धन दौलत मेरी जनता है मैं इन्हां ते लाउणा है यही रखना हैगा जे उह जिहां नूं चुणगे तां उह गल्लां पूरियां होणगियां। जे लोग सिर्फ पैसा बनाउण वाले ते पैसा बेड़े सिर लाउण वाले नूं चुणगे उह फिर आओ जी जाओ जी वर्गे होणगे बेड़े सिर आ के भरमारिया करनगे लोगों नूं ते लै जा करनगे। 2022 नूं लै के एक सवाल करना चाहुंदी आ रणनीति हर पार्टी दे वल्लों घड़ी जा रही है। प्रियंका गांधी दे वल्लों एक ऐलान किया गया यूपी च कि 40% जिहड़ियां टिकटां ने उह महिलावां नूं दित्तियां जाणगियां तुहानूं की लगदा पंजाब च इह होणा चाहीदा? पंजाब च क्यों मैं तो पूरे देश च चाहुंदी आ साडे साडी बदकिस्मती लाओ जां किवें लाओ 15वीं सदी च असी डिवेलपिंग कंट्री कहाने अमेरिका वगैरह डिवेलप्ड ने उत्थे राजनीति विच बहुत बराबरता दिती जा रही सी पहला भी काबलीयत दे आधार ते हुंदी सी लेकिन साथों कुछ अनडिवेलप्ड ने जिवें श्रीलंका होया बंगलादेश होया पाकिस्तान होया जे वो उत्थे रिप्रजेंटेशन ज्यादा लेडीज़ नूं है। साढ़े 15वीं सदी च सिर्फ 550 की जिहड़ी साडी लोक सभा है सिर्फ 17 औरतां आईयां सी उस वेले और साढ़े उस वेले राजमाता जी ते नरलेप कौर दो ही पंजाब चो गईयां सी। उस तो बाद बेशक साड़ी अपनी इंदिरा गांधी जी बने पर पाकिस्तान के बेदी जी भुट्टो भी बन के रखी रही उस बार इस पंजाब दे विच मैनू पंजाब दे लोकां ने मेरी पार्टी ने जिते स्पीकर बनाईयां औरतां राष्ट्रपति बनाईयां औरतां एक चीफ मिनिस्टर बनाउण दा मैनू भी मौका दित्ता उन्हां ने आके। मैं ये नहीं समझती कि तुसीं अपनियां परसेंटेजां 30 होण 40 होण तुसीं रखो कि जिथे कोई काबल है कैपेबल है छड़ दिओ कि मेल है फीमेल है दूजा है तीजा किस तरह है उन्होंने तुम उन्होंने काबिलियत आधार से लैके आओ। पर तुम हामी रहोगे इस चीज़ के की लगता तो कि इस चीज़ को लागू करवाने में कामयाबी रहोगे पंजाब के खासकर क्योंकि गल यूपी नूं लैके तो की पंजाब नूं लैके कितने कितने अजे चुप्पी है क्योंकि पंजाब ज़्यादातर जिहड़े मेल लीडर ने। देखो मैं समझती हाँ कि यूपी वर्गी स्टेट जिहड़ी हैगी है वड्डी स्टेट है और उस स्टेट के वाकई जिवें असीं कहिंदे पंजाब च असीं फिर भी अगे नूं ज़्यादा हैगी हाँ लेकिन यूपी विच अजे भी घट ने। यूपी साडा नेपाल के बॉर्डर से लगता जिन्होंने कहने अनडिवेलप्ड एरिया है उत्थे लगता है बड़ा ध्यान घट दिता हूँ उत्थे जो इनिशिएटिव लिया है प्रियंका जी ने उत्थे बहुत अच्छी गल है और मैं समझती हाँ कि बाकी सारिया पार्टियां भी इस पासे ध्यान देन क्यों नहीं साडियां लेडीज़ नूं। मैं जिस वक्त बनी CM मैं उदो 30% उदों दिता सी 1996 च सरकारी नौकरियां च कि मैं लड़कियों को बनाऊंगी। मैं DC SSP SDM लाइया उस वे और उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिखाए ये नहीं कि कोई लेडी बनाती असी लेडी हूँ वेख्या जा रहा है सरपंच जरूर बनिया ने जो रिजर्वेशन दी गई है पर मोहरे जड़े ने उन्होंने हसबैंड उन्होंने पति होंगे ने अगे उन्होंने वालों अगवाई नहीं की जा रही कितने कमी लगती है तुम्हें जबकि लीडरशिप च महिलाओं की कोई कमी नहीं है किसी जिस तरह क्या सरपंच घर वाली की मोहर की मेरे स्टेजा से जो फंक्शन से कोई आता मैं पहले इंश्योर कर दी वो कहे जी प्रधान जी आ गए प्रधान उसकी घरवाली होंदी है तो मैं उस समय सारे सामने उन थले उस ऑडियंस वाली सीट बिठाउनी हाँ जिहड़ी चुनी हुई प्रधान है जां सरपंच है उन्हें उत्थे बिठाउंदी हैगी हाँ और मैं देखिया कि वाकई अपने आदमियों नालों ज़्यादा वधिया कई सारिया नहीं सर वधिया बोलदियां इस करके मेरा मतलब कहण दा कि असीं अजे इत्थे ही फसे खड़े हाँ किहड़ी सदी च जा रहे हाँ असीं औरतां नूं इन्हां नूं उस कम च फसे हुए हाँ। जिस वेले सरदार दरबारा सिंह जी सी मैं उस वेले गल कही सी कि साडे गरीब वर्ग ने रूरल एरियाज़ है पढ़ाइया के साधन ट्रेनिंगा के साधन घट होंगे सानू उन्हें रियायत करनी चाहिए है उन्होंने तुम रिजर्वेशन सिर्फ यह ना करो कि अखीरले टंबे से जाके रिजर्वेशन दो तो जे डाक्टर के हाथ च भी जान है तो ड्राइवर के हाथ च भी जान है तुम इन्हों कैपेबल बनाने वास्ते
जिहड़ा वह गरीब ने खर्चा नहीं कर सकते। सरकारी खर्चे ते ट्रेनिंग खर्चा दे के कैपेबल मौके दो, उत्थे पैसे दो, पर जिहड़ी मैरिट करनी है वो तुसी ऑन मैरिट दे के सिलेक्शन करो। बीबी जी, राइजिंग पंजाब की गल हो रही है, पंजाब के भविख की गल हो रही है, तुहाडी पार्टी का भविख की देखते हो? जिस तरह का माहौल अंदर चल रहा पिछले कुछ महीनों तो बड़ा उथल पुथल भी हो गया, पर उसके बावजूद सारा समुद्र जिहड़ा अजे टिकता नजर नहीं आ रहा, छल्लां हले भी वजदियां पईयां। देखो इस वेले पंजाब के जो हालात है और देश के भी है, पंजाब ने अगवाई की है किसान अंदोलन की। इस किसान अंदोलन में साड़ी एक मार्के की गल, तुसीं कहिंदे 33% रूरल औरतां बराबर जाके बैठिया ने बॉर्डर से, और जो सितम ते जुल्म इस मोदी सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया, औरतों के उत्ते दिल्ली गड्डियां चढ़ाई गई, लखीमपुर चढ़ाई गई, मारधाड़ की गई, केस बनाए गए, 700 तो उपर जिहड़े साडे सीगे उह बंदे शहीद साडे हो गए, जिहड़े अज वापस नहीं मुड़ के आने, उन्हां घरां दे विच जाणे नहीं। ये सारिया सिचुएशन के मुताबक अज असी ये समझते हैं कि इस वेले जरूरत हैगी है सानू अपना पार्टियां ऐसी पॉजिटिव प्रोग्राम बनाने चाहिए है जिदे मुताबक असी इन वर्गों नाल लैके चल सकीए। अंदरूनी भूचाल की मैं गल कर रहा थी, जिहड़ा कुछ अंदर चल रहा है, ये लगता तुहानू कि नेड़े चुनाव दे आगे टिक जूगा? मैं इत्थे आ रही हां, जां लगता कि होर भड़क अज साडे मुकाबले जो लोग समझते हैं, लोगों के बिच जां मीडिया समझता हैगा, वो कहिंदे आ जी आम आदमी पार्टी अकाली दल पार्टी, हुण तुसीं अकाली दल पार्टी लै लो, किन्ने अकाली दल बन गए? पहला आ गया मेन अकाली दल श्रोमणी अकाली दल, फिर एक बन गया मान साहब ने बनाया बाबा अकाली दल, फिर एक होर बन गया सी मास्टर तारा सिंह की बेटी आई सी बीबी अकाली दल बन गया सीगा, ते हुण एक संयुक्त अकाली दल बन गया। के ये सारे जिहड़े अकाली दल साढ़े मुकाबले च आने वाली पार्टी है, ये इन्या टुकड़िया च वंडी गई, और ये सारे जिहड़े लोग ने ये पंजाब दे अकाली दल जिहड़ा समुचा हैगा पंजाब दे नंबर वन दुश्मन ने। प्रताप सिंह कैरो ने महापंजाब की गल की सी कि वड्डा पंजाब होवे, पंजाबी सूबे दा अकालिया ने मोर्चा लाया, असी भी गए, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे साडे पटके बन्ने, असी भी गए जेल च, लेकिन रिजल्ट की निकलिया कि पंजाबी सूबी लैके छोटा करा के आ गए, गए सी वड्डा कराउण नूं, करा के छोटा आ गए, क्योंकि इन्हें सोचा कि सिख वोट रह जू, साडी कुर्सी उत्थे डहिंदी रह जूगी आके। वो अकाली दल जिन्हां दे समें च किसानां दे उत्ते जाति होई, धर्मां दे अपमान होए, और सारा अकाली दल चाहे अज सुखदेव सिंह ढींड सब कुछ कहण, ये सारे तो राजभाग च डेढ़ डेढ़ साल तक बैठे रहे हैं, अज वक्रे अकाली दल बना लिया, अज ये बीजेपी जिहड़े पंजाब दे 700 किसानां दीआं लाशां ते राज करदे ने, अज उन्हां नूं हथ मिला रहे ने। तुहानूं लगदा है कि माफ करनगे उन्हां नूं? तुहानूं लगदा है कि सुखदेव सिंह ढींडसा, क्योंकि हुण बीजेपी नाल उह वी जा सकदे ने, ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तां सिद्धा ही कर दित्ता कि बीजेपी दे नाल जाणा, तां लगदा कि तुहाडे लई चुनौती हो सकदी है? ये दोनों पहलां ही मिले हुए सी, पर्दा उपर हुण उतर रहा है। जदों सुखदेव सिंह ढींडसा जी नूं पद्मश्री दित्ता सी, मैं सचार वी ज्यादा है ना, मैं इसे लई पुछिया सी कि पद्मश्री किहड़े बार्डर ते लड़ाई लड़ी है जां किहड़ी बहादुरी कीती है। असल च उह पद्मश्री जिहड़ी सी साई फड़ाई सी उदों बीजेपी वालिआं ने कि साडे नाल आओगे तुहानूं असीं एस जी पी सी दे देंगे। पहलां इहनां कोल मस्तवाणे दा कब्जा है ढींडसा जी कोल, एस जी पी सी दे कब्जे च अकाली दल नूं तोड़न लई जां सेंटर च वज़ारत लैण वास्ते ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਸਾਈ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਈ ਵੀ ਐਮ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15-20 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2-10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐਮ 'ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਰਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਈ ਵੀ ਐਮ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸਾਈ ਫੜਾ ਕੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੋਈ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਟਾਸਟੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਈ ਵੀ ਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
खास तौर पर जेकर गल करिए हूँ एक सोच नज़र आ रही है हाईकमान की कि नौजवानों अगे करिए तजर्बेकार ने वो जरूर रहने यानी कि जिमें किसान आगू नज़र आए हैं सानू कि जोश जड़ा वो नौजवानों तो लैना पर होश बजुर्गों तो लैना तुम लगता है कि कांग्रेस पार्टी जी अगे सोच बद रही है क्योंकि सवाल हूँ हाईकमान से भी उठ रहा है कि प्रधान साहब जे ने उस तरीके अगवाई नहीं कर पा रहे उन्होंने लैके की कहो सोच अच्छी है और जरूरी भी है हर फील्ड में साड़ी नौजवान बहुत समझदार बड़ी लियाकत वाले है अगे होने चाहिए है कोई शक नहीं है मैं भी जी आई हाँ उस वे इंदिरा जी ने 25% औरतों का कोटा रखा से वो चाही सी लेकिन मैं इस गल के जरूर हक च हैगी हाँ कि सानू जोश तो होश दोनों कट्ठे करने चाहिए है जे हुण सानू सारे होश वाले बुढ़िया बिठा दोगे सीटा पर तो असं चार कदम चकांगे तो फिर सहारा पालांगे जे तुसी पूरे दे पूरे 100% नौजवानों बिठा दोगे वो किसी ना किसी थां के कंपीटीशन आते आते उलझ के किसी पास कोई तजर्बे की कमी उत्थे नुकसान पर लीडरशिप सारी मैं उस वक्त भी राय दी सोनिया गांधी जी दी सी पिछली बार भी कि यह हुंदा है पत्ते पुराने डिगदे आ नवे आउंदे आ तुसी 60-40 की रेशो रख लो 50-50 रख लो जे फर्जी इतने तुसी हुड्डा जी ने बदलिया मैं मिसाल दिनी हाँ वो सीएम रहे उन्होंने पता है कि मैं सरकार को कितों फड़ सकदा ओपोजिशन च आके उन्होंने तुसी ओपोजिशन लीडर बनाओ नाल जंग कोई जिहड़ा डिप्टी लीडर ला दिओ इतों उदो जो कैप्टन बदले ए प्रधान तो मैं कहा कि नाल वाइस प्रधान ला दो जंग मैनू जो हटाया CLP तो मैं भी यह कहती सी कि मैनू भी तुसी जे रखना है तो मेरे नाल एक जंग मुंडा डिप्टी लीडर ला दो उन्हों तजर्बा भी होजूगा उन्हों की कॉन्फिडेंस भी होजूगा जानकारी भी होजू पहचान भी होजू पर हुण अगवाई नवजोत सिद्धू और सीएम चन्नी दोवें नौजवान ने नहीं देखो हुण साडे मैं समझदी हैगी कि साडे बने हैं अच्छा फैसला लिया है और मैनू आस है कि साडा इहो ठीक रिजल्ट निकलू क्योंकि असीं थापियां दे के हर एक नूं समझा के मोढ़े ते हथ दे के चलदे हां इहदे विच इक पासे उहनां कोले पार्टी का प्लेटफॉर्म है एक पासे ये हैगा लेकिन नाल साडी जी टीम बनाई है अंबिका सोनी जी भी कोआर्डीनेशन दे विच लए ने सुनील जाखड़ नूं भी लए उह भी काफी तजर्बेकार होया तो मैं समझती हैगी कि इन्होंने होश जोश दोनों कट्ठे किए हैं मैदान च भजन लिए नौजवान चाहिए है एक मिनट बीबी जी कैप्टन अमरिंदर सिंह कितनी बड़ी चुनौती समझते हो क्योंकि हुण तां सीधा ही मैदान च आ गए ना 2017 दे विच पंजाब कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह समझा जाता सी तां अज कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कितनी बड़ी चुनौती समझते हो तुहाडे सामने देखो जे तां कैप्टन अमरिंदर सिंह जिवें कहिंदे आप ही कहिंदे अजे नहीं मेरे नाल आउणा किसे ने जापते तो बाद आउणा है उन्हों का मंतव यह है वह भी उही डीकते हैं तो दूजे भी यही डीकते हैं ढीण सिवनी अकाली दल चो छड़ के गए हैं सके भाई है कांग्रेस चो छड़ के गए हैं फायदे दोनों ने इस उठाए आप अपनी पार्टियां चो तो यह दोनों समझते भी जिन्हें उधरों टिकट नहीं मिलू साढ़े वाल आ जाएंगे लेकिन अकाली दल के भी तजर्बा यह होया है कि जे कोई सुखबीर ने नगलैक्ट किया ज नहीं आया वो ढीणसे के पार्टी च नहीं गया एक सुखदेव सिंह ढीणसा MP ने परमिंदर सिंह ढीणसा MLA कोई MLA कोई MP शामिल नहीं होया तो बाकी जे समझते कोई इधरों रह जूगा आ जूगा वो हम सीधे BJP ने जान लग गए कैप्टन अमरिंदर दावा कर रहे हैं इन दोनों तिना पंजाब के लोग डीकते हैं जेड़ा इन्होंने आ कर लिया ना कि BJP ना साडा पंजाब नहीं बर्दाश्त करेगा पंजाब के लोगों के उत्ते जिन्ना जाति किसानों के नाल धक्का होया जो कुछ नुकसान होया जिमें कह रहे कि असी तो ढीणसा जी सिख मंगा कुछ मनाउण वास्ते BJP ने हत्थ मनाया है तो जे थोड़ियां इनिया मंगा मनते हैं तो किसान वालिया मंगा ही मना लेंगे साल पल क्यों साढ़े इन्ना नुकसान कराया 700 बंदा मरिया इवें जिमें कैप्टन साहब यही गल कहते हैं असं BJP ने रल के राज करांगे ना तो BJP नूं किसी ने पंजाब च वड़न देना है तो ना कैप्टन साहब सच्चे किते झूठे किते दिल्ली गए से उस तो बाद मसला हल हो ही गया हुण ये नहीं पता किहदी रहनुमाई दे हेठ होया नहीं रहनुमाई तो चलो ये तो इन्हों का अपना मामला है रहनुमाई कौन करूगा जे BJP करू वड़ नहीं क्रेडिट किसी पास नहीं कैप्टन साहब करनगे तो वो याद करा देणगे ढीणसा जी नूं याद करा देणगे कि ढीणसा जी तुम अज कैप्टन नाल जफ्फी पाई फिरते हो तुसीं तां बादले इस करके छड्डे सी कि उन्होंने बेअदबी का मामला हल नहीं किया तो कैप्टन साहब ने तो उदू वड्डी बेअदबी की सी हाथ च गुटका चक के दमदमा साहब की धरती से वो भी 4.5 हल नहीं किया 4.5 सालों में उन्हें साल तुम उन्होंने किवें फिरते हो जो ये हालात पैदा होए कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा घटनाक्रम होया ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਮਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ 1920 ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਦਾਖਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मैं तो धर्म की भैन का फर्ज अदा करता केसरी जी ने मनाया मैं मनते नहीं सी कहते राजे महाराजे मुश्किल से निकाले हैं मैं कह नहीं जी हुण एक भरा के रूप में अच्छे इंसान बनने के रूप में वादा करके आ रहे हैं
इस तरह मैं सोनिया जी ने मनाया जिड़ी लैण लई तैयार नहीं सी पार्टी विच किन्हां नूं बणाओ मैं अपनी प्रधानगी छड्ड के प्रधान बना के लैके आई लेकिन उस तो बाद तुसीं सारे इत्थे ही वसदे हो कि जो एक मेरे नाल मैं एक देश भगत टब्बर चों आई सी पति मेरे चले गए सी मेरे भरावां दी मौत हो गई सी मैं कल्ली औरत रह गई सी ताही मैं उसे तां जे मेरा भरा बन के कोई आउंदा है तां एक औरत नूं हमेशा लगदा सहारा कि मेरे भरा दे रूप च खड़े है मैं तां सारा कुछ कीता लेकिन जो सिचुएशन मेरे नाल वापरी है कि तुसीं सारे पंजाब दे लोकां ने नहीं देखिया मेरे नाल की होया मैं फिर भी उस दे बावजूद जदों भी मेरे कोल आए है मैं उन्होंने यही कहा कि चलो पिछला भुलो तुसी हुण भी जदों मेरे कोल हुण राय लैण वास्ते आए आपदे आप मैं नहीं कोई राय दिंदी ना मैं बुलाउनी आ ना मैं पार्टी तो कदे हाई कमांड तो कुछ मंगे कुछ इतिहास दोहराया है मैं उस वक्त भी इन्होंने कहा कि कैप्टन साहब कहिंदे की करा मैं कि तुहानूं ये चाहिंदा है कि सारे कांग्रेस के लीडर नालों वध समा तुसी मैनूं दित्ता सोनिया जी प्रधानगी ते सीएमशिप का यह तुहाडी मानत है मैं तो तुहानूं छड्ड के चलिया गया सी तुसी फिर भी एड्डा वड्डा बन काम किया यह तुहाडी मानत है मैं रेजिग्नेशन तुहानूं फड़ाउणा जिन्हों तुसी बनाउणा चाहुंदे हो मैं तो ना लै दिंदा चार महीने नूं वैसे भी मैं कहा सी कि अगली इलैक्शन लड़नी नहीं चार महीने छड्डना जी अज कोई नौजवान अगे आउंदा तां मैं कहा देखो मैं सुनील जाखड़ वेले कहा कि हाँ मैं छड़ दी मैडम लियाओ इन्हें अगे लेके आओ मैं के पी वास्ते कहा कि मेरे को दो आदि मैं छड़ दी वह तुम इन के पी अगे लेके आओ आपू बुढ़प्पण यही दिखाई चाहिए बीबी जी ऐं तो नहीं कि कैप्टन साहब भी कहते हो मेरी भैन मोह तोड़ होगी मेरे खिलाफ बयान भी दे देती है कई बार पहला प्यार भी बड़ा जताते रहे हैं पिछले दिनों के बड़े खिलाफ बयान भी मैं जो भी अज तक कहा है यह जी कोई गल नहीं की कि सिर्फ बयान करके जिता है मैं तक पंजाब नाल हड बीती जां मेरे नाल हड बीती जिहड़ी सच्चाई है जिहड़ी रिकॉर्ड ते है वह गल दसी है हुण इह गल कोई बयान मैं उत्थे उन्हां दी तारीफ भी कीती सी कि उन्होंने साढ़े चार साल च करोना होण दे बावजूद बाड़ा हालात होण दे बावजूद कुछ वादे पूरे भी कीते पर सारे नहीं पूरे होए मेरी जिहड़ी इक गल ते मेरी नाराजगी उन्हां नाल मैं उन्हां दे मूँह ते भी कहिंदी हुंदी सी कि तुसीं इह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लोकां दी गवर्नमेंट है इहदे विच लोकां दे गवर्नमेंटां नूं तरजीह देईए 100% ब्यूरोक्रेसी नूं ना देईए मैं उन्होंने मूँह से भी कहती सी मैं उन्होंने गैरहाजरी भी कहनी हाँ क्योंकि अब साड़ी पार्टी च नहीं अगे मिलकर उन्होंने राय दे दी सी हुण तुसी पुछ लैने थोड़े राही मैं उन्होंने राय पहुंचा दिनी हुंनी हां मैनूं याद आ ऑफ कैमरा तुसी कई बार इस तरह के अंदेशे जताते सी कि जो कुछ चल रहा कुर्सी सिरे लगनी भी कैप्टन साहब की नहीं जिस तरह भी जो चल रहा मैं सोचा कि एक सोच होंगी एक इंसान की उन्हों की अपनी सोच है वो एक उस तरह के वातावरण पले है चलो परमात्मा इस तक कहने कि जदों किसी ने भी देवे मत पंजाब का ना कोई नुकसान करे सारे असी रल के भुल जाइए निजी अपन गल् निजी बहुत कुछ हुंदा हैगा अज पंजाब एक खतरे की घंटी वाले थां ते खड़ा है अज पंजाब दे साडा कारोबार साडा बंद हो गया है खड़ गया साडा बिल्कुल ही खेती साडी बर्बाद हो गई है मुलाजम साडे भुखे मरदे है गरीब लोग सड़कां ते आया होया है दवाइयां किते नहीं डाक्टर किते नहीं अज साडियां बिजलियां जां होर इन्ने बिल लैके खड़दियां औरतां है नहीं अज टैंकियां ते साडे बच्चे चढ़े हुए ने सानू रब दे वास्ते कह के रब दे कोले दान हरक ने देने हैं कल्या कल्या ना बैठ के ये सारिया चीजा सानू प्रैक्टिकली करनिया चाहिए नाट वादा कला वादा नहीं ऐलान नहीं करने चाहिए प्रैक्टिकली कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाता पंजाब का किवें देखते हो हुण उन्हां दी कारगुजारी भी किवें देखते तुहानूं लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिथे सक्सैस नहीं हो सके जिदे करके उन्होंने कुर्सियों लाता तुहानूं लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी च वह खूबियां हैगियां ने जिन्हां उन्हां दी जगह रिप्लेस किया गया कि एक आम हर इंसान पछाणदा है कि एक राजे दे घर जम्मिया होया बेटा उन्हूं उन्नियां चीज़ां नहीं पता हो सकदियां जिन्नियां एक गरीब दे घरे जम्मे आदमी नूं पता हो सकदियां हुण तुसीं इदां ही अंदाजा तुसीं कहिंदे हो की फर्क हैगा फर्क जिस तरह हुण चन्नी हर एक थावां ते लोकां दे विच जांदा है मिलदा है करदा है ते कैप्टन साहब इन्ना मिलदे सी जां नहीं ये फर्क तां अपने आप ही नज़र आ जांदा हैगा इसे तरीके नाल जिन्हां सिचुएशनां चों कोई निकलिया हुंदा लगदा है कि सही फैसला होया मैं समझदा कि बहुत सही फैसला कीता है नवजोत सिंह सिद्धू साडा अग्रैसिव जोश ना अगे चलन वाला पार्टी का हैड बनया पार्टी अग्रैसिव ज्यादा हो जाते हैं बीबी जी ते ए जड़ा हैगा वो इल्जाम नहीं लाते लूणा देकर याद करा के पूरा कराना चाहते हैं कि आ भी करना है आ भी करना आ भी करना है एक चाहते हैं ना जेब च रखते एक प्लेयर खेड रहे होंगे ने एक बाहर वाकअप कर रहे होंगे ने कई होर चल तेजी ना चल अगे चल वो वाकअप साड़ी पार्टी का प्रधान कर रहा है ये भी साफ करता कि मैं आम आदमी पार्टी च नहीं चलिया हूं मेरा फाइनल है इतनी रहना मैं नवजोत सिंह सिद्धू और ने हाँ नहीं नवजोत सिंह सिद्धू कितने नहीं जाते साड़ी पार्टी रहेंगे उन्होंने माँ बाप कांग्रेसी सी इन्होंने भी कई बार कहा मैं ही नहीं कला कहनी उन्होंने आप कहा कि मैं कांग्रेस में हाँ एक सवाल थोड़े बारे लेना चाहवांगे 2022 में लैके श्रोमणी अकाली दल ऑलमोस्ट अपने कैंडीडेट अनाउंस कर चुके हैं लहरा गागा के लोग तुहानू बहुत प्यार करते हैं इस बार तुसीं खुद चोण मैदान जा रहे हो या तुहाडे बेटे जड़े देखो मैं जिस तरह लहरा गागा हल्के तो मैं जो चाहती तो लोगों वगू मैं भी हल्का बदल के कितने ही जा सकती सी अज भी मेरे को हज़ार ऑफर है मैं बहुत सीएम रही प्रधान रहने तो बाद सारा पंजाब थोड़ा हल्का बन जाता है मैं उस हल्के क्योंकि मेरा रिश्ता उस हल्के है दूजा सब तो पंजाब में बैकवर्ड छोटा
अनडिवेलप्ड बुरी तरह नाल पछड़े हल्का है जिहदे विच हुण तक जिथे आपां किसे घर दे जां पौधे विच अपनी मेहनत की हुंदी उहनूं फल लाउणा चाहुंदे हुंदे आ। मैं उस हल्के विच जिन्ना काम किया एक सड़क भी नहीं सी हुंदी, मेरी आवाज़ उत्थों ही खराब हुई भी है सारी, कच्चे राहां ते तुरदे सी। मैं उत्थे कई 100 करोड़ रुपया खर्च करके सड़क बना के जिथे कहिंदे सी अनपढ़ां दा हल्का है, 7 कॉलेज ते इंजीनियरिंग कॉलेज बना के यूनीवर्सिटी कैंपस बना के जिथे लंघण नूं रास्ता नहीं सी, फाटकां ते मरीज़ बेचारे पूरे हो जांदे, मैं उत्थे 7 पुलां दे नाल नाल सब डिविजनां बना के अंडरग्राउंड पाइपां ला के पानी नहीं सी जांदा लोकां दे खेतां विच, इक फसल हुंदी सी साडे उत्थे लोकां दी, रिश्ते नहीं सी करदे कोई 27 पिंडां दे विच। इह सारा कुछ करदे होए मैं उत्थे ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਗੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੌਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਮਝ ਆਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਜਾਨ ਹੈ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਲੜੂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੜੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਲੜੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਹਿਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਮੁੰਡਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜੋਤ। Now I'll request our managing editor Jyoti Kamal ji to please come on the stage and felicitate our guest BB Rajinder Kaur Patthal ji. Thank you BB Patthal ji, thank you Jyoti Kamal ji.